तो पॉइंट नंबर वन, ऑप्शन स्ट्रेटजी में पढ़ रहे हैं हम। स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं। बस मुझे इतना बताओ, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए? सर कॉल ऑप्शन, गुड। अगर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कॉल ऑप्शन बढ़ेगा तो, अच्छा हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्राइस कम होने वाला फ्यूचर में, कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए? पुट ऑप्शन। इतना पढ़ लिया कि हमको आइडिया हो चुका है कि अगर लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, अगर लग रहा है कि प्राइस गिरेगा तो पुट ऑप्शन खरीदेंगे। अच्छा तो फिर एक बात बताओ बच्चों, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि आज से 3 महीने बाद मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा का मतलब या तो मार्केट बहुत ज्यादा अप हो जाएगा, बहुत ज्यादा खूब खूब बढ़ेगा, शेयर का प्राइस भी रिलायंस का बहुत अप होने वाला है, कुछ ऐसा न्यूज आने वाला है कि बहुत ज्यादा अप हो जाए, ठीक है तो सर कॉल खरीद लो। नहीं बेटे नहीं, और भी सुनो, या तो ऐसा लग रहा है कि उस न्यूज की वजह से शेयर का प्राइस डाउन होने वाला है तो सपोर्ट खरीद लो। नहीं बेटे कंफर्म ही तो नहीं हो रहा है, कुछ होने वाला है रिलायंस में, या तो शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है या तो कम होने वाला है, अब बताओ कौन सा खरीदे? कॉल पता नहीं किधर जाएगा, अप होगा कि डाउन होगा ये नहीं मालूम, पर कुछ तो होगा और बहुत वॉल फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा। सर बढ़ेगा तो कॉल और गिरेगा तो पुट, पर अभी आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, बताए क्या खरीदे? एक काम करें क्या, सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, पहले सुनना, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ही खरीद लेते रिलायंस का। सर क्या फायदा, या तो बढ़ेगा तो आप कॉल ही, बिट्टे सुनो सुनो सुनो, अगर मैं कॉल और पुट दोनों ही खरीद लेता हूं तो मेरे जेब से जाएगा तो क्या जाएगा? प्रीमियम, थोड़ा सा प्रीमियम ही तो जाएगा। हाँ प्रीमियम जाएगा। अगर बढ़ा शेयर का प्राइस बढ़ा तो मैं कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, दैट्स इट। ठीक है सर, पुट तो लैप्स हो गए ना, हो जाने दो पुट लैप्स, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर यार बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट कमा के निकल जाओगे। हाँ और अगर शेयर का प्राइस गिरा तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे ना भाई, गया तो प्रीमियम ही तो गया, लेकिन गिरेगा तो भी फायदा होकर। और सर शेयर का प्राइस कुछ भी नहीं हुआ, हिला ही नहीं, ना तो बढ़ा ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा? प्रीमियम ही तो जाएगा। तो यही एक तरीका, जब ऐसा लगना है मैं तो यही चाहूंगा कि यार मैंने जैसे ही मैंने कॉल और पुट खरीदा तो मैं चाहूंगा रिलायंस में बिल्कुल या तो बहुत अप हो जाए प्राइस, कमा लेंगे कॉल ऑप्शन है, या तो बहुत डाउन हो जाएगा पूरा मार्केट बर्बाद हो जाएगा तो भी कमा लेंगे पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसे ही कुछ हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किस में करते हैं हम ये काम? स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल में। सर दोनों एक ही नहीं बेटे, दोनों बातें अलग अलग है, स्ट्रैडल अलग है, हालांकि दोनों में यही अनुमान लगाया जाता है कि हमको ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्राइस, शेयर के प्राइस में वाइड फ्लक्चुएशन होने वाला है, पर हमें डायरेक्शन नहीं पता कि किधर जाने वाला प्राइस, अप होने वाला है कि डाउन होने वाला है। तो या तो हम ना ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे, या तो हम स्ट्रैडल्स के साथ काम करेंगे या तो स्ट्रैंगल के साथ। अच्छा दोनों ही बातों में अंतर है, इसके अपने फायदे हैं अपने लॉस है, इसके अपने फायदे हैं अपने लॉस, लेकिन दोनों ही कब काम आएगा? जब वाइड फ्लक्चुएशन होने वाला है, ऐसा लग रहा है अगर मैं खरीदता हूं, मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूं अभी, गड़बड़ मत करना, या तो हमें ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा होने वाला, दूसरा हमें मूवमेंट नहीं मालूम कि बढ़ने वाला है कि कम होने वाला। ठीक है सर, तो दोनों को एक साथ समझते ताकि हमें कंपेरिजन समझ में जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोचो बेटे एग्जाम्पल, ध्यान से समझोगे इस बात को। अब मैं गया स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज से बोला, स्टॉक एक्सचेंज सुनो ना मुझको ना कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का प्राइस पता करना। तो स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले बोलेगा भैया कौन सी कंपनी का? मैं कहूंगा रिलायंस। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा कब का कॉल ऑप्शन, 1 माह बाद का कि 2 माह बाद? मैंने कहा सुनो 3 महीने बाद का कॉल ऑप्शन चाहिए, 3 महीने बाद का ऑप्शन। ठीक है, और फिर पूछेगा रिलायंस का, मैंने कहा हाँ रिलायंस का। तो बेटे मैं पता करने गया
क्या रिलायंस का, कितने मंथ बाद का, 3 महीने बाद का, क्या ऑप्शन, 3 महीने वाला ऑप्शन पता करने का है। तो अब स्टॉक एक्सचेंज ना और एक चीज पूछेगा कि भाई किस एक्सरसाइज प्राइस का। मैंने कहा समझाओ, बोले एक्सरसाइज प्राइस 1,000 भी है, 1,100 भी है और 1,200 भी। तीन एक्सरसाइज प्राइस है आपके पास, 1,100, 1,100। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोले, मैंने कहा कौन सा ऑप्शन? बोले हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है और उसका हम आपको प्रीमियम बता देते हैं। बोले हमारे पास एक तो कॉल ऑप्शन भी अवेलेबल है। हमने कहा ठीक, और बोले पुट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मैंने कहा ये बताओ कॉल ऑप्शन ये एक्सरसाइज प्राइस क्या है? तो बोले एक्सरसाइज प्राइस का ऐसा होता है, एक कॉल ऑप्शन मतलब अगर बेसिक डेफ राइट टू बाय, आपके पास खरीदने का अधिकार, आप 1,000 में भी खरीद सकते हो, आप 1,100 में भी और एक 1,200 रुपए में, मतलब 1,000 में खरीद के भी बेच सकते हो, 1,100 में भी खरीद के, मतलब मैं कहूंगा मुझे 1,000 में खरीदने का भी राइट है। बोले हाँ, 1,100 में भी 1,200। मैंने कहा तो मुझे 1,000 रुपए का बताओ। तो बोले 1,000 रुपए में प्रीमियम ज्यादा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रीमियम देने को तैयार हूँ। और प्रीमियम ऐसा ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल 80, 55, 35। बोले 80 रुपए। मैंने कहा ठीक है, 80 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे अगर 1,100 में खरीदना है तो बोले फिर देना पड़ेगा सिर्फ 55। मैंने कहा अगर मुझे 1,200, बोले फिर प्रीमियम तो बिल्कुल थोड़ा सा 35। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीदना जाऊं तो प्रीमियम डिपेंड करता है एक्सरसाइज प्राइस पे। ये एक फैक्टर है एक्सरसाइज प्राइस पे। अगर कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस कम है, मतलब मुझे सस्ते में खरीदने को मिल रहा है, तो प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। और थोड़ा सा महंगा खरीदने को तैयार होगा तो प्रीमियम थोड़ा सा कम लग जाएगा। अब 1,200 रुपए में तो प्रीमियम और कम। मैंने कहा ठीक है। अच्छा पुट ऑप्शन का, तो पुट ऑप्शन का उन्होंने बताया 25, 40, 55। मैंने कहा ये क्यों भाई, जरा समझाओगे? तो बोले देखो ऐसा है, पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा राइट टू सेल, मुझे बेचने का राइट है। बोले आप 1,000 में भी बेच सकते हो, 1,100 में भी और 1,200 में। मैंने कहा मैं तो आपके पास 1,200 में बेचूंगा ना, मार्केट से सस्ते। बोले अगर आप 1,200 में बेचेंगे तो प्रीमियम लगेगा 55, क्योंकि आपको ज्यादा में बेचने का है। मैंने कहा ठीक, और 1,100 में। बोले फिर प्रीमियम कम, और 1,000 में 25। इस तरह से प्रीमियम डिपेंड करता है एक्सरसाइज प्राइस में। मैंने कहा ठीक, सुन लिया मैंने सारी बातें। कौन सी कंपनी? रिलायंस। कितना मंथ? 3 मंथ। एक्सरसाइज प्राइस तीन तीन है, ऑप्शन ये है, प्रीमियम है, और पुट ऑप्शन का प्रीमियम ये है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं स्ट्रैडल की, ध्यान से समझना। स्ट्रैडल्स दोनों समझाऊंगा, स्ट्रैडल और स्ट्रैडल। अच्छा तो लग क्या रहा स्ट्रेडल में? सर हमको ना स्ट्रेडल में ये लगता है कि 3 महीने बाद जो रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का, उसमें वाइट फ्लक्चुएशन होने वाला है। वाइट फ्लक्चुएशन होने वाला है मतलब कुछ बड़ा सा होने वाला। हमें डायरेक्शन नहीं पता कि हम प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा, तो हम क्या करते, एक कॉल और एक पुट ऑप्शन दोनों खरीद लेते। ये बात हुई थी, ठीक है, वही बात यहां लिखा रहा। स्ट्रेडल कब क्रिएट करेंगे? पहला क्या लग रहा है सर? वाइट फ्लक्चुएशन लग रहा है, वॉलेटिलिटी। या इसको मैं बोल सकता हूं वॉलेटिलिटी, ठीक है। वाइट फ्लक्चुएशन होने वाला फ्यूचर में, क्या किया जाए? क्या डायरेक्शन पता है? नहीं, नॉट श्योर। अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं पता, दैट इज प्राइस राइज अप प्राइस फॉल।
हमें ये नहीं मालूम कि यार क्या होने वाला है। ये तो पता कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला, पर ये नहीं मालूम कि प्राइस बढ़ने वाला कि कम होने वाला, मतलब हमें डायरेक्शन नहीं पता, मूवमेंट नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वी बाय हम खरीदेंगे क्या वन कॉल ऑप्शन एंड वन पुट ऑप्शन, ठीक है, किस पर? एट सेम एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए। फ सेम मैच्योरिटी पीरियड। ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉल ऑप्शन 3 महीने वाला और पुट ऑप्शन 1 मंथ वाला, ऐसा नहीं बोले। दोनों का मैच्योरिटी पीरियड 3 ही महीनों का, ठीक है सर। ऑन सेम एसेट। सर सेम एसेट का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि रिलायंस का कॉल खरीद लिया और विप्रो का पुट, नहीं, कॉल भी रिलायंस का पुट भी, क्योंकि रिलायंस में तो लग रहा है आपको, ठीक है सर। ये तो कॉमन सेंस हो गया, ये तो हमको पता है। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसी एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, मैंने कॉल और पुट दोनों एक ही एक्सरसाइज प्राइस का खरीद लिया, कितना? 1100, ठीक है। तो अब ये मैंने थोड़ा सा कहानी लिखा, मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा, एक बार नोट कर लो। व्हाइट फ्लक्चुएशन हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, पता नहीं कि डायरेक्शन किधर जाएगा। तो हमने एक कॉल और एक पुट खरीदना है, किस पर? सेम एक्सरसाइज प्राइस पे, सेम मैच्योरिटी पीरियड एंड सेम एसेट। तो अब इसी एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, स्ट्रेडल की बात कर रहा हूँ अभी। तो चलो, हमने क्या किया, हमने खरीदा वी बाय कॉल ऑप्शन, कॉल एंड पुट। सर एक्सरसाइज प्राइस कितना? रुपीस 1100, 1100 रुपए, ठीक है सर। 1100 रुपए का बेटे कॉल ऑप्शन भी 1100 रुपए, और 1100 रुपए का ही कौन सा ऑप्शन? पुट। कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे? जब प्राइस बढ़ेगा। पुट कब एक्सरसाइज करेंगे? जब प्राइस गिरेगा। 1100 से बढ़ा तो कॉल एक्सरसाइज, 1100 से कम हुआ तो पुट एक्सरसाइज। तो सर पैसे भी तो देना पड़ा। यस, प्रीमियम 55 रुपए प्रीमियम देना पड़ा कॉल ऑप्शन का, और 40 रुपए देना पड़ा पुट ऑप्शन का। तो टोटल आज हमारे जेब से कितना गया? 95, 95 खर्च हो गए इसके लिए, ठीक है सर। 95 को क्या नाम दे सकते हो बेटे? इसको बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी। जो मैंने स्ट्रेडल बनाया उसका कॉस्ट कितना पड़ा मुझे? 95, ठीक है यहां तक। अब आगे हम और बात करेंगे, ठीक है। अब जो है, ठीक है सर, 95 जा चुका है अभी। अब हम तैयार है, और हम भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे कि बहुत फ्लक्चुएशन हो, या तो प्राइस बढ़े भगवान, या तो कम हो जाए। और बढ़े तो कितना बढ़े बताओ बेटे? मैं बीपी निकालने का सोच रहा हूं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए। भगवान 1100 से बढ़ा दो 11। भगवान कहेंगे भाई कितना बढ़ाऊं? मैं कहूंगा जितना मेरे जेब से गया है ना, कम से कम उतना तो बढ़ा दो। तो अगर 1100 से बढ़े तो कम से कम 1195 कर दीजिए, 1195 कर दो, ताकि मेरा 95 तो रिकवर हो। भगवान ने कहा ठीक, मतलब मेरा बीपी अगर प्राइस बढ़ेगा तो बीपी कितने पे आएगा? 1195। 1100 से बढ़ेगा तो 95 रुपया और बढ़ा दे, कम से कम जो गया हुआ जाए। अगर कम भी करना है भगवान तो इतना कम करो, 1100 से कम करो और 95 कम कर दो, मतलब 1005। 1100 माइनस 95, 1005 करोगे, मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा तो 95 कमा लूंगा। या तो 1100 से बढ़ाना है तो 95 ऊपर कर दो, या तो 1100 से कम करना है तो 95 नीचे कर दो, क्योंकि मेरा कॉस्ट 95 पड़ा, ठीक
ठीक है, तो अगर मेरी बात समझो, क्वेश्चन में कभी कभी बीपी पूछता था, ब्रेक इवन पॉइंट, तो अगर मैं बीपी निकालूं, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो अगर मैं कहता हूं बढ़े, मतलब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, तो बीपी कितने पे आएगा? 1100 प्लस 95, 1195, 1195। अगर पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़े मुझे, तो भगवान कम कर देना, और कितना कम कर देना, -95 मतलब 1005। ग्यारह सौ -95, 1005, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात है ना, मुझे ना ये तो ठीक है, पर पे ऑफ बनाना, पे ऑफ क्यों बनाना, क्योंकि इसके बाद मुझे स्ट्रैंगल समझाना और दोनों बातों में अंतर समझ में आ जाए, तो मैं यहां पे ऑफ बनाने की कोशिश करूंगा। सुनना ध्यान से, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेडल्स। सर पे ऑफ कैसे बनेगा, समझोगे पे ऑफ कैसे बनेगा, ये लो, थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जाम में नहीं आता, पर समझने के लिए बनाना जरूरी है। ये पे ऑफ पहले भी बनाया हुआ है, और इधर हमारा प्रॉफिट और लॉस आएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये लाइन किसकी है, बेटी ये मार्केट प्राइस, और इधर होगा तो प्रॉफिट, और इधर क्या है, लॉस। अच्छा मार्केट प्राइस कितने हैं हमारे पास, कितने दिख रहे हैं आपको, तीन, वो तीनों मार्केट प्राइस मैं लिख देता हूं, हालांकि नहीं भी लिखूं तो भी चल जाएगा। अब भी एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 1100 ना, तो चलो 1100 लिख देता हूं, 1100, ठीक है, हालांकि और भी मार्केट प्राइस है, पर अब मैंने यहां 1100 लिखा। अच्छा तीनों लिख देता हूं ताकि मुझे ना स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल में बात समझा दू, ठीक है। 1100 सर, 1000 भी है और 1200 भी है, हाँ इधर शायद 1000 है, और इधर कितना जाएगा, 1200, ये मेरा बीपी नहीं, हालांकि इस टेबल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो इसको एक मिनट के लिए हटा देता हूं। मान लो इस क्वेश्चन में ये और ये नहीं है। अच्छा बीपी कितने पे आएगा सर, ये हुआ एक्सरसाइज प्राइस, बीपी आएगा 1195, तो यहां लिया और यहां लिखा 1195, और इधर बीपी कितने पे आएगा, इधर आ जाएगा 1005, दिस इज बीपी, और ये भी बीपी। सर 95 रुपए का लॉस कब होगा ये बताओ, मैक्सिमम लॉस तो 95 का ही हो सकता, हाँ क्योंकि हमारे जेब से 95 गया, तो वो लॉस कब होगा, जब प्राइस ना तो 1100 से ऊपर गया ना तो 1100 से नीचे गया, क्योंकि 1100 से ऊपर जाता तो मैं कॉल एक्सरसाइज कर लेता, और 1100 से नीचे आता तो मैं पुट एक्सरसाइज कर लेता, मतलब मेरा मैक्सिमम लॉस किस पे हो सकता है, 1100, ठीक है, और कितने रुपए का लॉस हो सकता है, 95, उससे ज्यादा तो लॉस हो ही नहीं सकता, 95, और यहां मैंने एक डॉट लगा दिया 95। अगर 1100 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस रिकवर होना स्टार्ट होगा, अगर 1100 से नीचे आएगा तो लॉस रिकवर होना स्टार्ट होगा, ये 95। बीपी कितने पे आएगा निकाल चुके हूं, मतलब पे ऑफ ऐसे बनेगा। बात समझने की कोशिश करना, ये पे ऑफ है स्ट्रेडल्स का। सर इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1195 पे आपका 95 रिकवर हो गया, और जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा मुझे प्रॉफिट स्टार्ट होगा। अच्छा जैसे जैसे शेयर का प्राइस गिरेगा मुझे प्रॉफिट स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम लॉस कितने का हो सकता है, 95 का, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, स्ट्रेडल्स, ठीक है। अभी रफली याद कर लेते हैं स्ट्रेडल्स, स्ट्रेडल्स में क्या होता है सर, स्ट्रेडल में ये होता है कि हमको पता नहीं लगता कि मार्केट में क्या होना, पर इतना पता रहता है कि मार्केट में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, पर डायरेक्शन नहीं पता होता कि प्राइस कम होने वाला है कि बढ़ने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रेडल में करते क्या है सर, स्ट्रेडल में हम क्या करते, एक कॉल और एक पुट ऑप्शन दोनों खरीदते हैं सेम एक्सरसाइज प्राइस पे और सेम मैच्योरिटी पीरियड के लिए। अच्छा ये लॉन्ग स्ट्रेडल, इसमें खरीद रहे हो आप, खरीद रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि, समझाऊंगा शॉर्ट भी समझाऊंगा, अभी रुक जाओ झेल नहीं पाओगे नहीं तो, पहले लॉन्ग लॉन्ग वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेडल, कॉल और पुट दोनों खरीदा है सेम स्ट्राइक प्राइस पे,
अब बात कर रहा हूं मैं किसकी, इस ट्रायंगल्स। अब ध्यान से समझ, ये हटा दिया और इस ट्रायंगल्स यहां समझाता हूं। इस ट्रायंगल, शायद आपको पूरी बात समझ में जाए, ठीक है। पे ऑफ मैं इस ट्रायंगल्स का यहां बनाऊंगा, इस ट्रायंगल्स यहां लिख देता हूं। इस ट्रायंगल्स में क्या होता है, अच्छा सर ये बताओ, इस ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल्स में भी हमें पता नहीं होता कि मार्केट में क्या होने वाला, प्राइस बढ़ने वाला कि कम, पर इतना पता होता है कि वाइड फ्लक्चुएशन, सेम जो स्ट्रैडल में लग रहा था वही स्ट्रैंगल में लगता। अच्छा सर, तो क्या होने वाला है, वाइड फ्लक्चुएशन, ठीक है, या वॉलिटिलिटी बोल सकते हैं। सर डायरेक्शन पता है क्या, नहीं बेटे नहीं, बस वही तो नहीं पता, नॉट श्योर अबाउट डायरेक्शन, पता ही नहीं होता कि शेयर प्राइस बढ़ने वाला है कि कम होने वाला। हाँ पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला। सर इसमें क्या करते हैं, सर इसमें करते हम वी बाय वन कॉल एंड वन पुट। सर ये तो वही हो गया स्ट्रेडल्स, नहीं बेटे आगे समझो, वन कॉल एंड वन पुट डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस। याद करो स्ट्रेडल में क्या था, सेम, और यहां क्या है, डिफरेंट, अलग अलग। फॉर सेम मैच्योरिटी पीरियड ऑन सेम एसेट, सारी लैंग्वेज वही है जो स्ट्रेडल में था, बस सेम की जगह क्या किया मैंने, डिफरेंट। बस एक बात बता दो सर, बोलने में अच्छा लग रहा, हमको पता कैसे लगेगा कि स्ट्रेडल की स्ट्रैंगल्स, ठीक है, हमको लग रहा चलो वाइड फ्लक्चुएशन होने वाला, चलो हमको मूवमेंट भी नहीं पता कि बढ़ने वाला, तो क्या करे, स्ट्रेडल की स्ट्रैंगल। हाँ ये समझा रहा हूं, स्ट्रैंगल्स में क्या होता है, ये सोचा जाता है स्ट्रैंगल्स में कि यार हमारा ना खर्च ना कम से कम आना चाहिए, कम से कम वो जो कॉस्ट है ना 95 रुपए खर्च हुआ था, हम इतना खर्च नहीं करना चाहते, और हमारे पास ये तीन ही एक्सरसाइज प्राइस दिख रही है, तो हम सोचते हैं यार ये कॉल ऑप्शन है, इसमें सबसे कम प्रीमियम ये है भाई 35 रुपए, तो हम ये वाला ऑप्शन खरीदेंगे, ठीक, ओके सर। और सर ये पुट ऑप्शन सिर्फ 25 रुपए का खर्चा है, ऐसे वाला एक्सरसाइज प्राइस करेंगे। बात को समझना है सिंपल सा, स्ट्रैंगल्स में हमारा जुगाड़ होता है, हमारा पैसा कम से कम खर्च होना चाहिए। सर कम से कम खर्च होना चाहिए का मतलब है कि कॉल ऑप्शन ऐसा खरीदो जिसमें कम प्रीमियम लगता हो, 1200 रुपए की एक्स, खराब वाला कॉल, खराब, अच्छा वाला कॉल तो ये है, खराब वाला कॉल ये है, सिर्फ 1200 रुपए, 35 रुपए खर्च होगा, ठीक है। और पुट ऑप्शन कौन सा वाला, सर ये वाला, इसमें सिर्फ 25 रुपए खर्च हो रहा है ना, 25 रुपए खर्च, मतलब खराब वाला पुट। सर दूसरी लैंग्वेज में आप ऐसा बोल सकते हो कि स्ट्रैंगल्स में एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन ज्यादा होता है एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन, यस, एक्स का एक्सरसाइज ज्यादा क्योंकि कॉस्ट कम पड़ता है। तो स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल्स में अंतर क्या होता है, एक तो ये लिखा है और एक बात लिखवा देता हूं, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन, इस लेस देन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल, कॉल का एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, पुट ऑप्शन के एक्सरसाइज प्राइस की अपेक्षा, ठीक है सर। और अंतर बताओ, और अंतर क्या, जबकि
स्ट्रेडल्स में क्या होता था? सेम एक्सरसाइज प्राइस। सर और क्या अंतर है? स्ट्रेडल में कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी 95 आया था, जबकि यहां 25 और 35 ही आएगा। 25 और 35 कितना होता है? 25 + 35, 60 रुपए का खर्चा आएगा, बस 60 रुपए। तो वो भी लिख लेते हैं, यहां एक पॉइंट और आ गया। कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी इन स्ट्रेंगल्स इज लेस देन कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी इन स्ट्रेडल्स। स्ट्रेडल की कॉस्ट जो आती है उससे भी कम कॉस्ट आती है स्ट्रेंगल्स की। कॉस्ट का मतलब प्रीमियम, ठीक है। तो एक दो बातें समझ में आई। स्ट्रेडल्स में सेम एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्रेंगल्स में अलग अलग एक्सरसाइज प्राइस पे कॉल और पुट। स्ट्रेडल में सेम है, हाँ। अच्छा एक बात और, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन हमेशा कम होगा एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन। किसकी बात हो रही है? स्ट्रेंगल की। अच्छा स्ट्रेंगल में कॉस्ट जो प्रीमियम हो का अमाउंट होता है वो कम आता है, किसकी अपेक्षा? स्ट्रेडल की अपेक्षा, ठीक है। सर और भी क्या फायदा नुकसान है? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझ। तो अब इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया? वी बाय कॉल ऑप्शन, ठीक है सर। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 1200। 1200 से ऊपर एक्सरसाइज प्रीमियम कितना देना पड़ा? सिर्फ 35, 35। पुट ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस कितना? खराब वाला 1000। 1000 से कम होगा तो फायदा, एक्सरसाइज करो। प्रीमियम कितना देना पड़ा? 25। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? 60। दिस इज कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है सर। यहां तक ठीक है। अच्छा बीपी की बात कर लेते हैं। इसमें या तो प्राइस बढ़े मार्केट में या तो कम। और बढ़े तो इतना बढ़े कि मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूं भगवान, और 1200 से बढ़ जाए, और उतना बढ़े कि मेरे जेब से कितना गया? 60। तो 60 रुपया की तो रिकवरी हो जाए। इसका मतलब अगर मुझे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ा तो भगवान 1200 से बढ़ा दो, और कम से कम 60 रुपये ज्यादा बढ़ाओ। तो 1260 तो कर ही दीजिए प्राइस, और उससे ज्यादा करोगे तो फायदा ही फायदा। और अगर मुझे पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़े तो 1000 से कम करना, और इतना कम करना कि 60 रुपये गिरा देना। तो 1040 तो कर ही देना, ठीक है 1040, ओके। और इससे कम होगा तो और भी फायदा। मतलब मेरा बीपी अगर बढ़ेगा तो 1260 पे आएगा, और कम होगा तो 1040 पे आएगा। अब बात करते हैं पे ऑफ की। यहां बना रहा हूं मैं इस ट्राइंगल्स को, सेम इधर 0, इधर प्रॉफिट, इधर लॉस। अच्छा अब यहां देखो भाई, मेरा एक्सरसाइज प्राइस तो 2 दिख रहा है मुझे। हाँ सर, 2 एक्सरसाइज प्राइस है आपके पास इस बार। तो एक तो 1200 और एक है 1000, ठीक। अब बीपी भी 2-2 है, या तो यहां आएगा 1260, या तो 1000 - 60 940 आएगा ना यार, या तो 940। अच्छा मेरा मैक्सिमम लॉस कितने का हो सकता है? 60 से ज्यादा का होगा नहीं। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो 60 जाए तो जाए, कोई 60 रुपए जो गया ना उससे ज्यादा मेरा लॉस हो ही नहीं सकता। अब सवाल ये है कि ऑप्शन कब एक्सरसाइज नहीं, 60 रुपए मैक्सिमम लॉस कब होगा? अगर 1200 से ऊपर नहीं गया, इससे ऊपर नहीं गया,
कॉल तो गया और 1000 से भी नीचे नहीं गया, 1000 से नीचे नहीं गया तो पुट भी गया। ओहो, मतलब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों लैप्स हो सकते हैं, मेरा 60 रुपए का खर्चा आ सकता है। कब आ सकता है? अगर ये 1000 है, अगर 1000 से नीचे नहीं आया तो यहां गया, और 1200 से ऊपर नहीं गया तो भी मेरा, मतलब मेरा लॉस जो हो सकता ना 60 रुपए का, हाँ इस बीच में हो सकता 60 रुपए का लॉस। ठीक है, ठीक है, 60 रुपया का लॉस हो सकता है। इसको थोड़ा और ऊपर लिखता हूं, यहां लॉस हो सकता है कितने का? 60 का। ठीक है सर, मतलब सर या तो बढ़े तो 1200 से ऊपर, या तो कम हो तो 1000 से नीचे, हाँ तभी तो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इधर तो सब लॉस ही लॉस हो जाएगा 60 रुपये का। ठीक है, और बीईपी तो आपको पता है, ये बीईपी आ रहा है और यहां ये बीईपी आ रहा है। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, ये किसका है? ये है स्ट्रैगल, स्ट्रैंगल्स, और ये क्या है? स्ट्रैडल। अब दोनों में अंतर क्या है? सोना इधर कितना कॉस्ट पड़ा? 95, और इधर कितना पड़ा? 60। ठीक है, अच्छा इधर बीपी और इधर बीपी और इधर बीपी, सर इधर बीपी तो जल्दी फास्ट जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा, और इधर बीपी रिकवर होने में थोड़ा सा, जो प्रीमियम ना रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा कौन सा ज्यादा अच्छा है? सर ज्यादा अच्छा तो यही दिख रहा है, स्ट्रैंगल्स। दो वजह से, दो वजह से, पहली वजह पैसा कम लग रहा है 60 रुपया, दूसरा, दूसरा देखो अगर दूसरी बात करो, जो 60 रुपए है वो तो यहां, यहां से यहां 60 रुपए जल्दी रिकवर हो जा रहा है, यहां थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवर होने में। ठीक है, दो वजह है कि स्ट्रैंगल अच्छा, कॉस्ट भी कम लग रहा है, और बीपी 60 रुपए रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, यहां रिकवरी 95 की रिकवरी करनी है। ठीक है, सिर्फ एक वजह है कि ये बुरा है। पूछो क्यों? क्योंकि बेटे यहां देखो बिल्कुल ध्यान से, यहां सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है, इसके बाद तो स्टार्ट हो गया, और यहां तो लॉस लंबे समय के लिए होगा, मतलब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा दिख रही है? सर इसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, ज्यादा समय तक। अगर मैं आपसे बोलूं डायग्राम की मैं बात करूं तो ऐसा हो रहा है, इस तरह से डायग्राम बना, ये जो डायग्राम है ना, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम है ये बेसिकली ये है मेरा स्ट्रैडल्स, और ये जो ब्लैक में दिख रहा है ब्लैक, ये कौन सा है? ये है हमारा स्ट्रैंगल्स। अच्छा तो दिख ही रहा कि लॉस ज्यादा, हाँ इसमें एक लॉस, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जो आपका दिख रहा ना स्ट्रैंगल्स, इसमें दिक्कत है कि लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसकी अपेक्षा। इसमें तो जल्दी से रिकवरी होती है, इसमें 60 रुपए का जो लॉस है ना वो ज्यादा टाइम तक है, और इसमें 95 का लॉस एक ही बार है, थोड़ा सा भी हिला तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्या क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन लीजिए, उतने मुश्किल नहीं है ये, तो मैं एग्जाम के पॉइंट से, थ्योरी के पॉइंट ऑफ से समझा रहा था। तो क्या समझे? सिंपल, दो टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। हालांकि अभी लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग का मतलब खरीदना, अगर मैं कॉल और पुट दोनों खरीद रहा हूं तो लॉन्ग है, अगर मैं कॉल और पुट दोनों बेच देता तो वो शॉर्ट स्ट्रैडल कहलाता है या स्ट्रैंगल कहलाता। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मैं खरीद रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग, और यहां मैं खरीद ही रहा हूं। ठीक है सर, यहां तक ठीक। अच्छा स्ट्रैडल कब खरीदते? कब कब स्ट्रैडल? जब हमको ऐसा लगता है व्हाइट फ्लक्चुएशन होने वाला, और स्ट्रैंगल उसमें भी व्हाइट फ्लक्चुएशन वाला। अच्छा डायरेक्शन पता है कि नहीं पता? स्ट्रैडल में नहीं पता सर, और स्ट्रैंगल में उसमें भी नहीं पता। तो स्ट्रैडल में क्या करते? कॉल और पुट दोनों खरीदते हैं पर सेम एक्सरसाइज प्राइस सेम, और स्ट्रैंगल में कॉल और पुट दोनों पर अलग अलग एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, बस स्ट्रैंगल में एक बात याद रखना, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन इज मोर देन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन। ठीक है सर, स्ट्रेडल में कॉस्ट कितना पड़ा था? 90 रुपए, मतलब ज्यादा कॉस्ट, और स्ट्रेंगल में 60 रुपए, सॉरी उसमें 95 पड़ा था, इसमें 60, तो और एक डिफरेंस, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी इन स्ट्रेंगल इज लेस देन कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी इन स्ट्रेडल्स। ठीक है, अच्छा तो सर उसमें फायदा क्या है? स्ट्रेंगल में कॉस्ट कम लगता है, स्ट्रेंगल में, स्ट्रैंगल में कॉस्ट कम लगता है पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है,
बुक में आए हुए दो चार क्वेश्चन वो कर लेते, उसके बाद बुल बियरिश स्ट्रीप स्ट्राइफ वगैरह पढ़ी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें।